जरीपटका थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग ने तलवार से 15 से ज्यादा वार कर एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना रात करीबन 2:30 बजे के बीच पहलवान शाह बाबा दरगाह के मार्ग के पास की है। जानकारी के मुताबिक जरीपटका थाने की रात्रि गश्त टीम उस सड़क से गुजर रही थी, तभी 17 साल का एक लड़का भागता नजर आया। उसके पीछे 40 साल की एक महिला दौड़ रही थी। पुलिस ने जब महिला को रोका और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि ये उसका बेटा है। उसने बताया कि लड़के ने कूड़ा बीनने वाले एक व्यक्ति की तलवार से वार कर हत्या कर दी और वो भाग रहा है। पुलिस महिला द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो शेखर नामक एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ था। नाबालिग ने उसके शरीर, पेट और कमर पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या में इस्तेमाल की गई तलवार वहीं पड़ी हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 17 साल के नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। या संदर्भात आपल्याकडे एक गुन्हा दाखल झालेला आहे 6/15/23 मतलब 302 प्रमाणे। काल रात्री अंदाजे सुमारे 2:30 दरम्यान आपली CR मोबाईल पोस्ट हुडकेश्वरून परत येत होती। परत येता दरम्यान मोतीबाग पहलवान बाबा दरगाह जवळ सार्वजनिक रोडवर एक विधी संघर्ष बालक तिथून पळून जात असताना दिसला। त्याच्यासोबत त्याची आई पण होती। त्यांना ते CR मोबाईलचे आमचे अंमलदार प्रकाश पत्मारे यांनी थांबवलं आणि त्यांना विचारणा केली। त्यावेळेस त्यांनी त्याच्या आईनं सांगितले की एक शेखर नावाचा इसम आहे, त्याला तो कसरत गुंडार आहे, त्यांना माझ्या मुलानं संघर्ष बालक आहे त्यांनी तलवारीनं मारलेला आहे, तो मृत्यू पावलेला आहे अशी माहिती भेटल्यावरून आपण पोलीस स्टेशनला सरकारतर्फे फिर्याद देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश बादाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।